राइट, तो आप लोगों को छोटा सा टास्क दिया था, लेट मी गो बैक टू दैट फाइल। तो हमने तीन कॉन्सेप्ट क्लास में डिस्कस किए थे और बाकी के कॉन्सेप्ट्स मैंने आप लोगों को खुद से समझने के लिए दिया था। तो क्या कोई ऐसा स्टेटमेंट है जो आपको समझ में नहीं आया? क्या कोई ऐसा स्टेटमेंट है जिसको समझने में आपको दिक्कत हुई है? एनी स्टेटमेंट? सर, ए का रिलेशन सी से कैसे हुआ? कहाँ पे कह रही हो अपूर्वा? थोड़ा सा टाइम दीजिए मेरे को उसके लिए, ठीक है? फोर्थ में कह रहे हो, ओके। तो यहां देखो, ये कुछ ऐसा है, ऑल ए इज बी, मतलब पूरा का पूरा ए जो है वो बी के अंदर आएगा, एंड ऑल बी इज सी। तो ये तो वैसा टाइप हो गया ना कंगना, कि ऑल गर्ल्स ऑफ 10A1 belongs to class 10 and all students of class 10 belong to Avanti। तो यहां से ऑटोमेटिकली तो ये दिख गया ना कि जो सारे गर्ल्स होंगे वो अवंती का हिस्सा रहेंगे। तो इस तरीके से ए और सी के बीच में रिलेशन है। बाकी डायग्राम को देखो ना, डायग्राम को देखोगे तो ए के लिए छोटा सर्कल है और ए का पूरा सर्कल जो है वो बी के अंदर आया है, ठीक है? बी के अंदर आ गया। अब बी वाला जो सर्कल है वो सी के अंदर आ गया, क्यों? क्योंकि ऑल बी इज सी का स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो अगर ऑल बी सी का स्टेटमेंट लिखा हुआ है, मिनिमम ओवरलैपिंग रखना है, तो हमको बी वाला सर्कल जो है वो सी के अंदर रखना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली क्या आपको ये नहीं दिख रहा है कि सी वाले सर्कल के अंदर बी भी आ रहा है और ए भी आ रहा है? फाइनली हम ये देख सकते हैं कि बी वाला जो सर्कल है, बी वाला सर्कल एंड ए वाला सर्कल दोनों सी के अंदर आ रहा है, दोनों सी के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ए और सी के बीच में रिलेशन हुआ। अब जब पूरा का पूरा ए सी के अंदर आ रहा है तो इसीलिए पहला रिलेशन बन गया ऑल ए इज सी, और जब ऑल ए इज सी बन गया है तो सम ए इज सी भी बनेगा एंड सम सी इज ए भी बनेगा। अगर पूरा ए सी के अंदर है तो थोड़ा सा ए सी के अंदर होगा एंड सिमिलरली थोड़ा सा सी भी ए के अंदर होगा। इज दिस क्लियर? ठीक है, डन। नेक्स्ट, और किसी को किसी कॉन्सेप्ट में डाउट था क्या? और किसी को कोई कॉन्सेप्ट में डाउट था क्या? एनीवन? सारे कॉन्सेप्ट देख लिए थे आप लोग? आज फिर क्वेश्चन से शुरू करें। ओके, तो देखिए एक बार डायरेक्शंस पढ़ लीजिए। सारे क्वेश्चंस में क्या होगा, आपको दो स्टेटमेंट मिलेंगे फॉलोड बाय कंक्लूजन्स। तो दो स्टेटमेंट मिलेगा और उसके ऊपर दो कंक्लूजन्स मिलेगा। आपको कंक्लूजन्स को पढ़ना है और डिसाइड करना है विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन्स लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द स्टेटमेंट। तो आपको ये फिगर आउट करना है कि ये जो कंक्लूजन्स दिए गए हैं क्या ये हम स्टेटमेंट से लॉजिकली निकाल पा रहे हैं या नहीं। मतलब अब आपको पांच ऑप्शंस मैंने दे रखा है, ठीक है? तो आपको ये पांच ऑप्शंस देख लेने हैं। पहला ऑप्शन मार्क करना है जब सिर्फ कंक्लूजन वन सही है। ओनली ओनली वन कंक्लूजन फॉलोस का मतलब क्या है? इसका ये मतलब होगा सिर्फ सिर्फ सी वन सही है, सिर्फ सी वन सही है एंड सी टू गलत है, एंड सी टू गलत है, ठीक है? सिमिलरली ऑप्शन बी मार्क करोगे जब कंक्लूजन टू सही है सिर्फ, कंक्लूजन वन गलत है। ऑप्शन सी मार्क करोगे जब या तो कंक्लूजन वन या कंक्लूजन टू, आइदर। डी मार्क करोगे जब दोनों दोनों के दोनों गलत है, और ई मार्क करोगे जब बोथ सही है, ठीक है? एनटीएसी में ये वाला बहुत कम आएगा, ठीक है? एनटीएसी में ये ऑप्शन जनरली वो नहीं देते हैं, ये ऑप्शन नहीं देता है।
तो अभी फिलहाल अगर कोई क्वेश्चन आता है आइदर ऑल वाला, मैं उसको अवॉइड करूंगा, मैं आपको लगने से बाद में बता दूंगा। चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। चलो ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ट्राई कीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा फिर। ओके, मिनिमम ओवरलैपिंग का डायग्राम बनाइएगा, ठीक है, मिनिमम ओवरलैपिंग का। वेरी गुड, सो अपूर्वा का आंसर आया है, शिखर का आंसर आया है, दोनों का आंसर सही है, कंगना गलत है। अच्छा ठीक है, विवेक सही है, पहला तो सही लिखे हो। अब देखो मैं सॉल्व करता हूँ। नो फाइल इज एन एलिफेंट, नो फाइल इज एन एलिफेंट का मतलब क्या है, कैसे कैसे करोगे? तो आप एक सर्कल बनाओगे फाइल के लिए, एक सर्कल बनाओगे एलिफेंट के लिए, और नो ए इज बी का डायग्राम ऐसा ही होता था ना, दो सर्कल बनाते थे, दोनों में कुछ नहीं, तो मैं ये लाइन बना के दिखा रहा हूं कि इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। एंड ऑल एलिफेंट्स आर कैप्स, अब ऑल एलिफेंट्स आर कैप्स में मिनिमम ओवरलैपिंग को ध्यान में रखते हुए ये हम किसका डायग्राम बना देंगे, कैप्स का। तो पहला स्टेटमेंट है सम कैप्स आर एलिफेंट, क्या मेरे डायग्राम में सम कैप्स आर एलिफेंट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, राइट, बिल्कुल हो रहा है। क्या मेरे डायग्राम में सम फाइल्स आर कैप्स हो रहा है? मेरे डायग्राम में सम फाइल्स आर कैप्स नहीं हो रहा, तो सिर्फ कंक्लूजन वन सही निकल कर आ रहा है, ठीक है, सिर्फ कंक्लूजन वन सही निकल कर आ रहा है। इज दिस क्लियर, कोई दिक्कत यहां पे? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू। सबको जल्दी से टू ट्राई कीजिए। Yes, Arnav, as usual, हमेशा की तरह, you are late. शुभम, दिव्यांशु, आंसर था सही, अमृत का सही है, स्नेहा गलती हो रही है, अंकित सही है, साहिल सही है, शिखर गलत है, मिष्टी गलत है, विवेक बढ़िया। देखो क्या लॉजिक है यहाँ पे, सम बुक्स आर बर्ड्स, सम बुक्स आर बर्ड्स, तो एक सर्कल बनाएंगे बुक्स के लिए और एक सर्कल बनाएंगे बर्ड्स के लिए, ठीक है। उसके बाद बोला है सम बर्ड्स आर फिंगर्स, सम बर्ड्स आर फिंगर्स, तो एक सर्कल बनाया हमने फिंगर्स के लिए, ठीक है, एक सर्कल बनाया हमने फिंगर्स के लिए, तो ये मेरा डायग्राम होगा। अब सम फिंगर्स आर बुक्स, क्या मेरे डायग्राम में सम फिंगर्स आर बुक्स हो रहा है? नहीं हो रहा। सम फिंगर्स आर बर्ड्स, क्या मेरे डायग्राम में सम फिंगर्स आर बर्ड्स हो रहा है? हो रहा है, तो इसीलिए सिर्फ कंक्लूजन टू सही है, सिर्फ कंक्लूजन टू सही है। शिखर समझ में आया? मिष्टी समझ में आया? कहां पे गलती हो रही है? आपको मिनिमम ओवरलैपिंग का डायग्राम बनाना होता है। इनफैक्ट एक लर्निंग देखो, एक आपके लिए लर्निंग है जिससे आप सारे क्वेश्चन सही से सॉल्व करोगे। फॉर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स,
फॉर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स लाइक लाइक ऑल ए like all A is B and some A are B, draw diagrams with minimum overlapping. Draw diagram with minimum overlapping. ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट लर्निंग. सेकेंड लर्निंग फॉर नेगेटिव स्टेटमेंट्स लाइक सम ए आर नॉट बी एंड no a is b, draw diagram with maximum overlapping. मतलब देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है ना, सिलॉजिज्म में अल्टीमेटली हम टारगेट क्या करते हैं, हम टारगेट करते हैं कि कौन से कंक्लूजन्स को गलत प्रूफ कर सके. ये आपका टारगेट होना चाहिए. तो आपको हर पॉसिबिलिटी के बारे में सोचना होगा जहां पे आपको कंक्लूजन को आप गलत प्रूफ कर पाओ. ठीक है, तो इसीलिए पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में हम मिनिमम लेके चलेंगे, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में हम मिनिमम ओवरलैपिंग का हिसाब लेके चलेंगे एंड नेगेटिव स्टेटमेंट्स में हम लोग मैक्सिमम ओवरलैपिंग का हिसाब लेके चलेंगे. उससे क्या होगा, आप सारे केसेस को टेक केयर कर लोगे, बिकॉज आपको भी पता है कि मल्टीपल केसेस बनते हैं ना, मल्टीपल केसेस बनते हैं. तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, अब अगर मैं आपसे पूछूं एक सवाल, यहां पे बोला है सम बुक्स आर बर्ड्स एंड सम बर्ड्स आर फिंगर्स. अगर मैंने एक ही सर्कल बनाया और एक ही सर्कल में मैंने बुक्स इज इक्वल टू बर्ड्स इज इक्वल टू फिंगर्स कर दिया, बताइए तो ये कहीं किसी भी तरीके से गलती है क्या? क्या ये मेरे स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा? बताइए, क्या मेरे स्टेटमेंट्स को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा? कर रहा है, राइट? और अगर ये मेरे स्टेटमेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है तो हो सकता है शायद आप में से कुछ लोग इसके बेसिस पे अपने कंक्लूजन्स को डिसाइड करो. अगर आप इसके बेसिस पे अपने कंक्लूजन्स को डिसाइड करोगे तो आपका C1 भी सही हो जाएगा एंड आपका C2 भी सही हो जाएगा. हो रहा है कि नहीं हो रहा है? C1 सही हो रहा है एंड C2 भी सही हो रहा है, राइट? बट कंक्लूजन वैलिड होगा जो कि हर पॉसिबल डायग्राम में ट्रू हो. यस और नो? आपका वही डायग्राम पॉसिबल होगा जो हर पॉसिबल डायग्राम में सही हो. तो अब नीचे वाले डायग्राम में काम कर रहा है, ऊपर वाले डायग्राम में काम नहीं कर रहा, तो उस केस में वो कंक्लूजन को आप इग्नोर करोगे. ठीक है, उस केस में आप उन कंक्लूजन को इग्नोर करोगे. सिर्फ उन्हीं कंक्लूजन को काउंट करना है विच इज ट्रू फॉर ऑल पॉसिबल डायग्राम्स. दैट इज वाई पॉजिटिव स्टेटमेंट मिनिमम ओवरलैपिंग, नेगेटिव स्टेटमेंट मैक्सिमम ओवरलैपिंग. आई होप दिस फंडा इज क्लियर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो यहाँ पे ए और बी अपना आंसर की है. चलो 3 और 4. अभी मैंने पॉजिटिव क्वेश्चन रखे, पॉजिटिव स्टेटमेंट रखे, आगे नेगेटिव स्टेटमेंट है ताकि आपको थोड़ा डिफरेंस भी पता चले अच्छे से. अब इसमें सबका आंसर सही होना चाहिए. ठीक है, इसमें सबका आंसर मुझे सही चाहिए.
ओके, वेरी गुड वेरी गुड। साहिल थोड़ी सी गलती हो रही है। हाँ चलो डायग्राम बनाते हैं थर्ड वाले का। ऑल बुक्स आर श्रब्स, ऑल बुक्स आर श्रब्स, तो ये बुक का सर्कल हो गया, उसके ऊपर श्रब्स का हो गया। फिर कह रहा है ऑल ट्रीज आर श्रब्स। अब जरा मेरे को कोई अनम्यूट करके बताओ कि ऑल ट्रीज आर श्रब्स, श्रब्स का डायग्राम कैसे बनाऊंगा। हैंड रेज करो, कौन बताना चाहेगा। पूर्वा ने हैंड रेज किया। हाँ पूर्वा, सर, श्रब वाले सर्कल में एक ट्री का सर्कल बना देंगे। हाँ लेकिन हम मेक श्योर करेंगे कि वो बुक्स के हाँ, बुक बी से को भी टच टच ना ना करें। करें। क्यों? रीजन? सर, क्योंकि बुक्स और ट्रीज के बारे में कोई रिलेशन नहीं दिया है, तो खुद से कुछ अभी कंप्यूट करना गलत होगा। और ये वेरी गुड, दोनों स्टेटमेंट्स को देख के कि बुक्स आर श्रब्स और ट्रीज आर श्रब्स, ये ड्रॉ कर लेंगे। परफेक्ट, वेरी गुड। तो यहाँ पे कहीं पे भी स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ट्रीज और बुक्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है, तो हम अपना मिनिमम ओवरलैपिंग अपना साथ में लेके चलेंगे। पॉजिटिव स्टेटमेंट से मिनिमम ओवरलैपिंग है, तो इसीलिए मैंने बुक्स और ट्रीज के बीच में कुछ भी लिंक नहीं लगाया है। आप लोग ध्यान रखिएगा इस स्टेटमेंट का, यही सबसे परफेक्ट डायग्राम होगा। ओके, तो अब इस डायग्राम में देखो, क्या सम श्रब्स और बुक्स हो रहा है? ट्रू। क्या सम श्रब्स और ट्रीज हो रहा है? ट्रू। अच्छा, अब मैं आप लोगों को यहां पे थोड़ा सा डिफिकल्टी बढ़ाता हूं, आपसे एक कंक्लूजन पूछता हूं मैं। क्या यहां पे सम बुक्स आर ट्रीज होगा? बोलिए, क्या यहां पे सम बुक्स आर ट्रीज होगा? नहीं होगा, राइट? नहीं होगा। ओके, अगला कंक्लूजन, क्या यहां पे सम बुक्स आर नॉट ट्रीज होगा? क्या यहां पे सम बुक्स आर नॉट ट्रीज होगा? सोच के बताना सबको ही। जय माता दी मत करो। अब इसका भी आंसर जानते हो क्या? नो। इसका भी आंसर नो है। आप में से बहुत लोग यस कर रहे थे, कोई नो करने वाले बता सकते हैं क्यों? कंगना बता सकते हो नो क्यों? व्हाट इज योर रीजन बिहाइंड दिस? यस हाँ, नो लिखा था आपने, क्यों बताओ? सर, क्योंकि सर अगर सम बुक्स से, यानी कि ऑल बुक्स आर ट्री दी, तो हो सकता था ना। इस वाले लॉजिक से हम लोग कहें। एग्जैक्टली। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, एक अच्छी चीज यहां पे याद रखो, देखो आप लोगों ने क्या देखा, आप लोगों ने देखा कि सम बुक्स आर ट्रीज गलत है। सम बुक्स आर ट्रीज गलत है क्योंकि आपके डायग्राम में कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो फिर आपसे जब पूछा गया सम बुक्स आर नॉट ट्रीज सही है क्या, तो आप लोगों ने वहां पे यस बोलना शुरू कर दिया। लेकिन ये नेगेटिव स्टेटमेंट है कि नहीं? सम बुक्स आर नॉट ट्रीज नेगेटिव स्टेटमेंट है कि नहीं? मैंने आप लोगों को नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए क्या बोला था कि फॉर नेगेटिव स्टेटमेंट ड्रॉ डायग्राम विथ मैक्सिमम ओवरलैपिंग। तो मेरा यहां पे छोटा सा सवाल है, बताना यस और नो, क्या मैं ऐसा डायग्राम बना सकता था जिसमें बुक्स और ट्रीज एक दूसरे के अंदर हो? क्या मैं एक ऐसा डायग्राम बना सकता हूं जिसमें ये ही सेम सर्कल बुक्स, ट्रीज और श्रब्स तीनों को रिप्रेजेंट करेगा? और ये क्या मेरे दोनों स्टेटमेंट इस डायग्राम में सेटिस्फाई हो रहे हैं? क्या मेरे दोनों स्टेटमेंट इस डायग्राम में सेटिस्फाई हो रहे हैं? अंकित कुमार, परफेक्ट। अगर ये दोनों स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो रहे हैं स्टूडेंट्स, मतलब दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबल डायग्राम, एंड इफ दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबल डायग्राम, देन क्या ये कंक्लूजन यहाँ पे वैलिड होगा? सम बुक्स आर नॉट ट्रीज वाला कंक्लूजन यहाँ पे वैलिड होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे तो सारे बुक्स ट्रीज है, यहाँ पे तो सारे बुक्स ट्रीज है। तो अगर सारे बुक्स ही ट्रीज हो रहे हैं तो सम बुक्स आर नॉट ट्रीज की तो बात ही नहीं बनती है। क्लियर? तो आपका लर्निंग क्या है यहाँ पे?
आपका लर्निंग यहाँ पे ये होना चाहिए कि हम बुक्स और ट्रीज के बीच में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ना ही कोई पॉजिटिव कंक्लूजन पे पहुंच पाए हैं, ना ही कोई नेगेटिव कंक्लूजन पे पहुंच पाए हैं। क्या ये फंडा क्लियर है? हम बुक्स एंड ट्रीज के बीच में ना ही कोई पॉजिटिव कंक्लूजन पे आ पाए हैं, ना ही कोई नेगेटिव कंक्लूजन पे आ पाए हैं। अभी तक क्या क्या लर्निंग था हम लोगों का? लर्निंग ये था कि जब भी हम स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे तो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को हम लोग मिनिमम ओवरलैपिंग पे देखेंगे एंड नेगेटिव स्टेटमेंट्स को हम लोग मैक्सिमम ओवरलैपिंग पे देखेंगे। ठीक है, डायग्राम भी उसी के अकॉर्डिंग ड्रॉ करेंगे। नोटिस करना, चीजें बहुत आसान हो जाती है, अपने को अलग अलग केसेस वेरीफाई नहीं करना होता है। ठीक है, चलो फोर्थ क्वेश्चन बताना। फोर्थ क्वेश्चन अखिलेश, रिस्पॉन्स एकदम नहीं है, व्हाट हैपेंड? रोशनी, यश, डी किशोर, पार्टिसिपेट कीजिए थोड़ा। अब आएगा, ठीक है, परफेक्ट। चलो, मैंने ना थोड़े कंक्लूजन बढ़ा दिया, तो आप एक सिंगल मैसेज करना। ठीक है, स्नेहा, अंकित, अंशु, निहारिका, सबको एक सिंगल मैसेज करो, बताओ तो इसमें से कितने सही है कितने गलत है, इसमें से कौन सा सही है, सिर्फ इतना बोलो इसमें से कौन सा सही है। और मैं यहां पे डायग्राम बनाता हूं, मैं चैट अभी नहीं खोलूंगा, ठीक है, आप लोग वहां पे बताइए। विवेक पहला गलत लिखे हो, अमृत पहला गलत लिखे हो, अंकित पहला और आखिरी गलत लिखे हो, स्नेहा सही है, कंगना पहला गलत लिखे हो, अर्णव सही है, मिष्टि पहले दोनों गलत लिखे हो, तनिष्क सही है, दिव्यांशु पहला गलत है, प्रेरणा पहला गलत लिखे हो, अमृत पहला गलत लिखे हो। देखिए डायग्राम आपके सामने है, All nails are ears. तो नेल का सर्कल छोटा, ears उसके उसके बाहर आएगा, मतलब nails का पूरा सर्कल ears के अंदर आएगा। फिर अगला इंफॉर्मेशन है some ears are eyes. अब some ears are eyes में मेरा सवाल है, क्या हम eyes और nails में कुछ intersection, कुछ common हिस्सा डलवाएंगे क्या? Draw करने के टाइम पे क्या हम eyes और nails के बीच में हमें कुछ common हिस्सा रखना चाहिए क्या? Yes or no?
द आंसर इज नो. क्यों? क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो मिनिमम ओवरलैपिंग लेके चलना है. अच्छा, अगला सवाल का आंसर देना. क्या वैसे अगर हम चाहे तो आइस का पूरा सर्कल नेल्स के अंदर डाल सकते हैं क्या? आइस का पूरा सर्कल नेल के अंदर डाल सकते हैं क्या अगर चाहे तो? सिर्फ अपूर्वा ने अभी यस बोला है, शिखर अर्णव का कहना है नो, स्नेहा का कहना है नो. सॉर द आंसर इज यस. व्हाई? बिकॉज इफ इट इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना. याद रखो, अगर हम एक बार आपको लास्ट क्लास पे ले चले, तो ये याद रखना हमेशा, ऑल ए इज बी, सम ए इज बी, इस दोनों में ना एक ऐसा सर्कल आता है जो ए और बी दोनों के लिए रहता है. एक ऐसा सर्कल आता है जिसमें ए और बी दोनों रहते हैं. ठीक है, तो ए और बी अगर दोनों रहते हैं तो आप हमेशा उस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हो जहां पे एक ही सर्कल सारे चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा हो. सिमिलरली सम ए इज नॉट बी एंड नो ए इज बी, दोनों में एक डायग्राम कॉमन है जहां पे आपने सर्कल के बीच में कोई भी कॉमन हिस्सा नहीं रखा हुआ है, कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है. तो इसको ना याद रखिएगा, बड़ा काम आता है. तो अगर हम चाहे हम, मैं लिखता हूं अल्टरनेट डायग्राम. उस अल्टरनेट डायग्राम में अगर आप चाहो तो एक ही सर्कल रख सकते हो जो आपका नेल्स, आपका ईयर्स एंड आपका आईज तीनों को रिप्रेजेंट करे. ठीक है, नेल्स, ईयर्स एंड आईज तीनों को रिप्रेजेंट करे. इज दिस क्लियर एवरीवन? तो अब डायग्राम पे देखते हैं, क्या सम नेल्स आर ईयर्स हो रहा है? नहीं. सॉरी, ऑल ईयर्स आर नेल्स हो रहा है? नहीं. सम आईज आर नेल्स हो रहा है? नहीं. सम आईज आर नॉट नेल्स हो रहा है? मेरे ब्लू कलर वाले डायग्राम में हो रहा है, लेकिन मेरे रेड कलर वाले डायग्राम में नहीं हो रहा. अब क्योंकि ये दोनों डायग्राम में नहीं हो रहा, इसीलिए इसको फॉल्स बोला जाएगा. ठीक है, इसीलिए इसको फॉल्स बोला जाएगा. बोलिए, कोई दिक्कत? ओके, नेक्स्ट. सम ईयर्स आर नेल्स, ये सही है क्योंकि यहां पे दिख रहा है कि पूरा का पूरा नेल ईयर के अंदर है, तो सम ईयर्स आर नेल्स यहां भी होगा, यहां भी होगा. नो ईयर इज आईज, नो ईयर इज आईज मेरे इस डायग्राम, ब्लू कलर वाले डायग्राम में हो रहा है, लेकिन रेड कलर वाले डायग्राम में नहीं हो रहा. किसी एक भी डायग्राम पे स्टूडेंट्स अगर वो नहीं काम किया तो हम उसको ना बोलेंगे. कोई डाउट आ रहा है क्या किसी को भी? आप में से किसी को किसी तरीके का डाउट आ रहा है यहाँ पे? कोई डाउट आ रहा है किसी को? प्लीज बताइए, हरी अप. अभी तक चार क्वेश्चन में कोई दिक्कत? सॉल्व कैसे करना है, समझ में आया है? अपूर्वा, दोनों डायग्राम बनाना नहीं है, सेकेंड डायग्राम को माइंड में रखना, नेगेटिव स्टेटमेंट्स के लिए माइंड में रखना. ठीक है, पॉजिटिव के लिए तो मिनिमम ओवरलैपिंग से काम हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव कंक्लूजन के लिए हम क्या करेंगे? वी विल थिंक अबाउट मैक्सिमम ओवरलैपिंग. ओके, कंगना पूछे सर वन वाला कैसे नहीं हुआ? कंगना देखो ना, यहाँ ऑल ईयर्स आर नेल्स कह रहा है और हमारे पास क्या था? ऑल नेल्स आर ईयर्स. अब ये तो वैसा स्टेटमेंट हो गया, ऑल गर्ल्स आर बेवकूफ. अगर मैंने ये स्टेटमेंट बोला तो इस पे ये कंक्लूजन लिया जा सकता है क्या? ऑल बेवकूफ आर गर्ल्स, बताओ. नहीं लिया जा सकता ना. तो हो गया आपका पहला स्टेटमेंट गलत प्रूव हो गया. ठीक है, अब डाउट नहीं आएगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते. रोशनी पूछ रही गर्ल्स ही क्यों? जब मैं पहले बॉयज का एक एग्जांपल लेता था तब तो कभी नहीं पूछे, तब तो था के लगाते थे. एक मिनट. सर लेकिन ऑल ए इज बी में तो हमने देखा था ऑल बी इज ए भी है कंक्लूजन. लेट मी चेक, अगर है तो वो गलत हो जाएगा. ठीक है, वो उसको मैं ठीक कर दूंगा. कहाँ पे देखे थे आप, इसकी बात कर रहे हो?
अगर आप इसकी बात कर रहे हो पूर्वज, तो स्टेटमेंट ऑल ए इज बी है, तो पॉसिबल कंक्लूजन में वापस से ऑल ए इज बी ही लिखा हुआ है, ऑल बी इज ए नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। इलेवन वाले में दिया हुआ है, कह रही है इलेवन वाले में दिया हुआ है, देख लेता हूं। ये वाला इलेवन कह रहे हो, कॉन्सेप्ट इलेवन, ये वाले कह रहे थे क्या, इसमें तो नहीं दिख रहा कुछ ऐसा। नहीं नहीं कंगना, कंगना से पूछ रहा हूं। चलो फिर कौन सा मेरे को बताना, मैं सही कर दूंगा उसको, ठीक है। ओके नेक्स्ट, ऑप्शन मार्क करना है, ऑप्शन यहां तो दिख रहा है ना, ऑप्शंस क्या है, नहीं गलत है। देखो सम अपार्टमेंट्स हैव इलेक्ट्रिसिटी, तो ये सर्कल अपार्टमेंट का, ये सर्कल इलेक्ट्रिसिटी का, एंड सम बोर्ड्स हैव इलेक्ट्रिसिटी, तो ये वो ऐसे मिलाएंगे। अब बताओ सम अपार्टमेंट्स हैव बोर्ड्स, गलत प्रूफ हो गया। सम बोर्ड्स हैव अपार्टमेंट्स, गलत प्रूफ हो गया। अच्छा आप में से बहुत लोग ऑप्शन सी कह रहे हैं, है ना, स्नेहा, मिष्टी, अर्णव, दिव्यांशु, शिखर, प्रेरणा, आप लोग ऑप्शन सी क्यों कह रहे हो? क्योंकि आपके इस डायग्राम में नो बोर्ड्स ऑफ अपार्टमेंट्स दिख रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को क्या बोला हुआ है, मैंने बोला हुआ है कि कभी भी नेगेटिव स्टेटमेंट्स को सोचने के लिए मैक्सिमम ओवरलैपिंग के अकॉर्डिंग देखो। आप बताइए क्या मैं एक सर्कल बना सकता हूं जो अपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड बोर्ड तीनों को रिप्रेजेंट भी करे और ये दोनों स्टेटमेंट को सेटिस्फाई भी करे, क्या ये बना सकता हूं? वेरी गुड अंकित। स्टूडेंट्स बताइए क्या मैं एक ही सर्कल को तीनों के लिए यूज कर सकता हूं? जितने लोगों का ऑप्शन सी आ रहा था उन लोगों से मेरे को जवाब चाहिए, कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना, तो इनका एक वो पॉसिबल डायग्राम भी बनता है जहां पे एक ही सर्कल सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। और अगर ये वाला सर्कल, ये वाला डायग्राम भी पॉसिबल है, तो फिर ये वाला कंक्लूजन वहां पे वैलिड होगा क्या? ये वाला कंक्लूजन फिर वहां पे वैलिड होगा क्या? नहीं होगा, राइट? तो इसीलिए हम नो मार्क करेंगे।
इसीलिए हम नो मार्क करेंगे। हाँ अंकित आपका सही था। प्रेरणा कह रही है नहीं समझ में आ रहा। प्रेरणा एक बार अनम्यूट कीजिए, मैं थोड़ा जानना चाहूंगा आपने पहले कॉपी में कौन सा डायग्राम बनाया था। क्या आपने ये डायग्राम बनाया था? यस सर। ठीक है, तो आपने इस डायग्राम के बेसिस पे आपको लगा कि ऑप्शन सी सही होगा, है ना? Yes, लेकिन sir. मेरा पॉइंट ये है कि जब भी हम एक नेगेटिव कंक्लूजन को देखते हैं ना, तो नेगेटिव कंक्लूजन को देखने के लिए आप एक बार अपने डायग्राम को देखना कि क्या उसमें हम मैक्सिमम ओवरलैपिंग कर सकते हैं, और मैक्सिमम ओवरलैपिंग अगर कर सकते हैं तो मैक्सिमम ओवरलैपिंग करने के बाद कोई नेगेटिव कंक्लूजन को चेक करो कि क्या अब वो ट्रू हो रहा है। ठीक है, ये हमेशा एक छोटा सा रूल होता है। बिकॉज आप ही बताइए कि ये जैसे डायग्राम आपने अपनी कॉपी में बनाया, क्या ये डायग्राम पॉसिबल होता? यस और नो? क्या ये डायग्राम हम इन दोनों स्टेटमेंट के लिए बना सकते थे? नो सर। यस कह रही हो कि नो कह रही हो? नो सर। नो कह रही हो, बट द आंसर इज यस। क्यों? बिकॉज सम ए इज बी के कितने पॉसिबल डायग्राम थे याद कीजिएगा, चार पॉसिबल डायग्राम थे कि नहीं सम ए इज बी के? उन चार पॉसिबल डायग्राम में मैं आपको एक बार वहां ले चलता हूं। ये देखो, ये था सम ए इज बी, इसके चार पॉसिबल डायग्राम थे। इन चार पॉसिबल डायग्राम में से मैंने बोला था कि ये वाला जो डायग्राम है आप लोग इसी को जनरली फॉलो करना, लेकिन बाकी को दिमाग में रखना है। तो ये वाला जो चौथा केस है जहां पे दोनों सर्कल सेम है, मतलब एक ही सर्कल दोनों ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे फिर ये सम ए इज बी ट्रू हो रहा है ना। तो अगर यहाँ पे सम ए इज बी ट्रू हो रहा है तो क्या हम इस केस में इस क्वेश्चन के लिए भी एक सर्कल नहीं बना सकते जो हमारा अपार्टमेंट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा हो? बताओ, स्टेटमेंट वन के लिए ये बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता? अब बनाया जा सकता है? बताइए प्रेरणा, क्या अब बनाया जा सकता है? ये बनाया जा सकता है और इसको yes, हम बोर्ड्स हैव इलेक्ट्रिसिटी, इसमें भी क्योंकि हम अभी मैक्सिमम ओवरलैपिंग के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या हम इस सेम सर्कल से तीनों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर ये पॉसिबिलिटी आ गई तो क्या अब हमारा नो बोर्ड्स हैव अपार्टमेंट्स बनेगा किसी भी तरीके से? नहीं बनेगा, राइट? तो इसीलिए ऑप्शन सी भी गलत हो गया, एंड देन द आंसर बिकम्स नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट लर्निंग क्या है? आपके लिए इंपॉर्टेंट लर्निंग है कि व्हेन आई हैव पॉजिटिव स्टेटमेंट्स एंड इफ आई हैव टू चेक अ नेगेटिव कंक्लूजन, देन आई विल थिंक अबाउट द मैक्सिमम ओवरलैपिंग। लेकिन इफ आई हैव पॉजिटिव स्टेटमेंट एंड इफ आई एम लुकिंग एट पॉजिटिव कंक्लूजन्स, देन आई विल लुक एट मिनिमम ओवरलैपिंग। ठीक है, तो यहां पे मैं इस चीज को लिख देता हूं, पॉजिटिव स्टेटमेंट। जानते हो क्या, खुद को अगर अलग अलग डायग्राम बनाने से बचाना चाहते हो तो ये लॉजिक फॉलो करो। पॉजिटिव स्टेटमेंट है और अगर हम पॉजिटिव कंक्लूजन को चेक कर रहे हैं तो इसको कहां पे चेक करना चाहिए आपको? आपको चेक करना चाहिए मिनिमम ओवरलैपिंग में। ठीक है, और अगर हम नेगेटिव कंक्लूजन को निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो इसको कहां पे चेक करना चाहिए? मैक्सिमम ओवरलैपिंग में। ठीक है, सबके लिए। चलो, सो ऑप्शन डी इज द आंसर। नेक्स्ट,
यहाँ बहुत फास्ट आंसर करते हो आप इन सब क्वेश्चन में, थोड़ा सा बस एक्यूरेसी पे काम कर लो, बहुत अच्छी वो स्कोर आएंगे। आप लोग बहुत जल्दी आंसर करने के चक्कर में ना गलती कर रहे हो, यू आर डूइंग दिस क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट टाइम, टेक योर टाइम हियर, आई जेन्युइनली डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इफ यू आर टेकिंग 2 मिनट्स, प्लीज डोंट ट्राई टू आंसर इन 30 सेकेंड्स, वो आप अपने एग्जाम में कीजिएगा। A1 से अंकित, कंगना, निहारिका, स्नेहा एंड दिव्यांशु, यही लोगों के रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं मेनली। चलो मैं इसको सॉल्व करता हूं, सम ए बी इज सी डी, तो एक सर्कल ए बी का मिनिमम ओवरलैपिंग के साथ एक सर्कल सी डी का, एंड नो सी डी इज ई एफ, तो नो सी डी इज ई एफ ऐसे मिनिमम ओवरलैपिंग करके यहां पे रखा। अच्छा एक सवाल का आंसर करो सबसे पहले, क्या मैं ई एफ यहां भी बना सकता था, क्या मैं ई एफ यहां भी बना सकता था, क्या ये मेरा स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो रहा है यहां पे बनाने से, क्या मैं ई एफ को यहां बना सकता था, मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं बना रहा हूं, बना सकता था, यस और नो, रिलेशन नहीं दिया हुआ है तो नहीं बनाएंगे, बट बना सकते थे कि नहीं, पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग बात करो, पॉसिबिलिटी में तो यस होगा कि नहीं, क्योंकि हम यहां पे स्टेटमेंट क्या है, नो सी डी इज ई एफ, तो सी डी और ई एफ के बीच में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, तो पॉसिबिलिटी में हो सकता है कि शायद ए बी के साथ थोड़ा हो, 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते लेकिन पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा, यहां लिख देता हूं दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, Not 100% but possible, मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा होगा, possibility में सोच सकते हो, ठीक है। So अब देखते हैं sum AB is no EF, sum AB is no EF, क्या बोलेंगे इसका, sum AB is no EF क्या बोलेंगे बताइए, दिस विल बी ट्रू और फॉल्स, दिस विल बी ट्रू, क्यों जानते हो, क्योंकि ये जो हिस्सा है ना, मैं आपको बताता हूं किस लिए ट्रू होगा, ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा सीडी में भी आएगा कि नहीं आएगा, अगर हम कह रहे हैं कि सम ए बी इज सी डी, मतलब वो वाला जो हिस्सा है वो हिस्सा सीडी में आ रहा है, और उसका अगला वाला कंक्लूजन कह रहा है नो सी डी इज ई एफ, तो नो सी डी इज ई एफ कहा है, तो जो मैंने शेड किया है स्टूडेंट, वो वाला हिस्सा ई एफ के साथ तो लिंक नहीं होगा, और वो वाला हिस्सा अगर ई एफ के साथ कभी भी लिंक नहीं होगा, तो सम पार्ट ऑफ ए बी वो वाला हिस्सा, सम पार्ट ऑफ ए बी वो वाला हिस्सा कभी भी ई एफ के साथ लिंक नहीं होगा, टेल मी यस और नो, फिर से रिपीट करूं, चलो सब कुछ रब करते हैं, फिर से रिपीट करता हूं, मैं कह रहा हूं पहला डायग्राम है सम ए बी इज ई सी डी, तो ये एक सर्कल हो गया, ये दूसरा सर्कल हो गया, फिर कह रहा है नो सी डी इज ई एफ, अब नो सी डी इज ई एफ में आपने ये वाला डायग्राम बनाया, ठीक है, आपने ये वाला डायग्राम बनाया, मैंने बोला कि अगर पॉसिबिलिटी की बात करें तो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, अब आते हैं पहले कंक्लूजन पे, सम ए बी इज नॉट ई एफ, सम ए बी इज नॉट ई एफ का मतलब क्या हुआ, आपसे पूछ रहा है क्या ए बी का कुछ हिस्सा कभी भी ई एफ में नहीं आएगा, क्या ए बी का कुछ हिस्सा कभी भी ई एफ में नहीं आएगा, बताइए यस और नो, तो मैं कहूंगा नो,
सॉरी मैं कहूंगा यस, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है ये एक्चुअली ए बी और सी डी दोनों के अंदर आ रहा है, और ये दोनों के अंदर आ रहा है। क्वेश्चन में कहा गया कि सी डी और ई एफ कभी नहीं मिल सकते, तो सी डी का कोई भी हिस्सा ई एफ के साथ नहीं मिल सकता, तो वो छोटा सा शेडेड वाला हिस्सा भी कभी नहीं मिलेगा, लेकिन वो छोटा सा हिस्सा ए बी का पार्ट भी बन रहा है। तो मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूं कि ए बी का कुछ हिस्सा कभी भी ई एफ के अंदर नहीं आएगा। आई बात समझ में? इस तरीके से देखना पड़ेगा आप लोगों को, ओके? तो दिस इज अ ट्रू कंक्लूजन। कितने लोगों को अभी भी दिक्कत हो रही है बताइए? इज दिस क्लियर? ओके, नेक्स्ट। सम ई एफ इज ए बी, सम ई एफ इज ए बी क्या हमेशा होगा? नहीं, मैंने जो ब्लू कलर से डायग्राम बनाया उसी में नहीं हो रहा। नो ए बी इज ई एफ क्या हमेशा होगा? जो मैंने ब्लू कलर का डायग्राम बनाया उसमें नहीं हो रहा, लेकिन ये जो ग्रीन कलर वाला डायग्राम है उसमें है ना, तो ये गलत हो जाएगा। और एक कंक्लूजन क्योंकि सही हो गया है तो नन ऑफ द अबव मार्क करना भी बेवकूफी है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो क्या ये चीज समझ में आया, ये क्वेश्चन एक लर्निंग हुई होगी अच्छी वाली, ठीक है? चलो, तो इट्स 4:55, आई विल बी एंडिंग द क्लास हियर, बट आप लोगों के लिए क्वेश्चन इस स्लाइड में रखे हुए हैं, आई विल अपलोड द स्लाइड एंड आप लोग इसको घर पे ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है? आई थिंक ठीक ठाक नंबर ऑफ क्वेश्चन रखे थे, 30 तक है, 30 तक, मतलब आई हैव इवन केप्ट हाई लेवल क्वेश्चंस, यू कैन इग्नोर द लास्ट वंस जो बड़े बड़े स्टेटमेंट्स वाले हैं, ठीक है? 30 क्वेश्चन तक रखे हैं। चलो फिर, एंडिंग द क्लास हियर, अपलोड हो जाएगा लेक्चर शाम तक, आप डाउनलोड करके कर लीजिएगा, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीक, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। इनपुट आउटपुट का डाउट अपूर्वा हम नेक्स्ट वीक क्लियर कर लेंगे, ठीक है? मैं अभी क्लास के बाद शाम को निकल रहा हूं, तो मैं कुछ दिन अवेलेबल नहीं रहूंगा, नेक्स्ट वीक आने के साथ साथ आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा, ठीक है? होपफुली नेक्स्ट वीक ऐसे भी ऑफलाइन क्लासेस चलने शुरू हो जाएंगे जितना एक्सपेक्टेशन है।